our chief guest as a symbol of our love and respect. Please welcome Dr. Jyoti Bala ma'am with a loud cheer. Present to Professor Biji Biju ma'am with a beautiful plant. I request lecturer Mrs. Prabhavati ma'am to present a plant to Professor Biji Biju ma'am. मैं फोटो आप भेजिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। गुड इवनिंग टीचर्स जूनियर्स एंड माय डियर बैचमेट्स, मेरा नाम काजल है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। रही बात एक्सपीरियंस की तो मेरे साथ बहुत सारे हैं। हॉस्टल में क्योंकि हम लोग घर से फर्स्ट टाइम बाहर आए थे तो कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि कैसे रहना है क्या करना है, वो सीख लिया। फिर कॉलेज में काफ़ी मतलब पढ़ने के रिलेटेड वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरा चेंज रहता है। और बस एक्सपीरियंस छुट्टी लेने का दिन मैम से थोड़े टाइम का पेशेंस और चाहिए। ओके आकांक्षा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है फेयरवेल का टाइम है और इतनी सीरियसनेस अच्छी नहीं लग रही है? हमारे सीनियर्स बिल्कुल आके ऐसे सीरियस बैठे हैं, टीचर्स बिल्कुल सीरियस बैठे हैं। अरे यार, इतना खुशनुमा माहौल बनाने के लिए तो हमारे क्लास के बॉयज ही काफी है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं अपनी क्लास के बॉयज को ही थोड़ा यहाँ बुला ले ताकि माहौल थोड़ा बहुत तो खुशनुमा हो ही जाए। क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत खुशनुमा नहीं होगा, बहुत ज्यादा खुशनुमा होगा। क्या कहते हैं हमारे सीनियर्स? नहीं, इतने धीरे आवाज में नहीं बुलाने वाले। वी वॉन्ट सम नॉइज। वेलकम बॉयज ग्रुप डांस बाय 2020 बैच। आपको सादर चरण स्पर्श और मेरे प्यारे जूनियर्स और मेरे बहुत ही अच्छे बैचमेट्स, यहाँ पर आकर हम लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिला और बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे आकर पहले तो बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे थे कि बहुत बैकवर्ड एरिया है, लेकिन यहाँ की हरियाली काफी पसंद आई। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स देखे तो इससे बड़े कहीं कॉलेज में पहले गए नहीं थे तो बहुत अच्छा लगा। फिर क्लास का भाग दौड़ काफी मतलब पेचीदा हो गया मामला, फिर सोचे किसी तरह से यहाँ छुटकारा मिले तो लॉकडाउन आ गया, फिर उसकी मौज काटे, उसके बाद अभी तक मौज करते ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ मैं फिर से एक बार अपने गुरुजनों का नमस्कार करना चाहता हूँ
और मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। गुड इवनिंग माय टीचर्स। गुड इवनिंग माय टीचर्स एंड माय बैचमेट्स। मेरा प्रिय यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी टीचर्स का थैंक्स। गुड इवनिंग माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, डियर जूनियर्स और माय डियर बैचमेट्स। माय नेम अमित सैनी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। यहाँ मुझे टीचरों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले माय कोऑर्डिनेटर विकास भास्कर सर, माय डीन मैम, जिनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और मेरे प्यारे बैचमेट्स, थैंक यू। Good evening to everyone, respected teachers and my classmates and dear juniors. आज मैं अपना कुछ experience share करना चाहूंगी। चार साल हमारे पूरे निकल चुके हैं, तो इन चार सालों में बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारे उतार चढ़ाव, struggle सभी की life में आते हैं, खुशियां, दुखी, हर चीज हुई है। तो बस मैं कुछ lines लिख के लेके आई हूँ। माननीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी से प्रेरित है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। हम कितनी भी शैतानियां करें, लेकिन आप डांट के समझा देते हो। हम आगे चलकर कुछ बन जाएं, इसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। एग्जाम में अगर मार्क्स कम आते हैं तो मोटिवेट भी आप ही करते हैं। क्लास के बीच अगर हमें बोरिंग सा लगे तो किससे भी आप ही सुनाते हैं। सच में आप महान हैं जो इतना कुछ हमारे लिए करते हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, योर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। इसके बाद मैं अपने सारे क्लासमेट्स के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। मेरे यारों, ये साथ का पल एक दास्तां में बदल रहा। मेरे यारों, ये साथ का पल एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। क्लास और कैंटीन वाली कहानी होगी खत्म। अब फर्स्ट ईयर में थी, अब नहीं है, फर्स्ट ईयर की बात खत्म हो गई। अब अलग होंगी मंजिलें और अलग होगा रास्ता। कैंपस की वो सीढ़ियाँ जमती जहाँ थी महफिलें, वो सीढ़ियों का स्टेज भी अब खाली करना पड़ रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। मैं अपने प्यारे जूनियर्स के लिए कुछ मोटिवेशन का कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, फेलियर्स भी आते हैं, बहुत सारी पर्सनल मैटर्स में भी आते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ दो लाइनें पूरा नहीं बता सकती। तो उसके लिए है कि आपको कुछ भी होता है, आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उस पर फोकस मत करिए। ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रेजेंट। तो उसके लिए चार लाइनें कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था मानो वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया सो डूब गया, अमर के आनंद को देखो कितने इसके सारे तारे टूटे, अमर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर
पूछो टूटे तारों का कब अम्बर शोर मचाता है, पर पूछो टूटे तारों का कब अम्बर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बीत गई सो बात गई। नेक्स्ट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इसी चीज में कि कभी भी कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो हमेशा अपने आप पे फोकस करना चाहिए। चीजें आती हैं उन पे इतना इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ लाइंस, तू खुद की सोच में निकल तू किस लिए हताश है, तू खुद की सोच में निकल तू किस लिए हताश है, तू चल वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनका वस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टीचर्स फॉर योर लव एंड जितना भी आज तक आपने हम लोगों को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू। डियर सीनियर्स, वी अंडरस्टैंड कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, आप जा रहे हैं, पर देयर इज अ टाइम लिमिट। तो हमारे इस एक्टिविटी का टाइम लिमिट जो है वो 1 मिनट टू 1 मिनट 30 सेकंड्स तक होगा। अपने एक्सपीरियंस जो भी हैं वो आप 1 मिनट टू 1 मिनट 30 सेकंड्स में खत्म करके ऑफिस के पास पहुंचे। ये सोचा कि अभी रहने देते हैं, लास्ट टाइम जब नोटिस आएगा तब कराएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ मतलब अब हमें यहाँ इतना अच्छा लगने लगा था कि मतलब नोटिस कराने का मन नहीं कर रहा था। धन्यवाद। मेरी प्रेम कहानी सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ। बाकी फर्स्ट ईयर में आए थे तो थोड़ा स्ट्रगल था लाइफ में, सोच रहे थे यहाँ तक नहीं आ पाएंगे फाइनल तक, पर साथ में आ गए सारों के, तो मेरे साथ तो इसमें भी ना इंसाफी हुई है, इसमें भी 9 नंबर ही मिले, 38 इसमें भी नहीं आए, तो बाकी यहाँ तक आ गए तो अच्छा ही है। बाकी घर से निकले ही नहीं, घर से यहाँ कॉलेज का उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू टीचर। गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय बैचमेट्स एंड डियर जूनियर्स, मेरा नाम सनी कसौधन है, और जैसा कि अभी सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसी के इर्द गिर्द मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें से एक चीज मैंने बहुत बेसिक सीखी कि नथिंग इज परमानेंट हेयर, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जहाँ पे हमारे कल सीनियर्स थे आज वहाँ पे हम हैं, कल हमारी जगह आप होंगे। तो जो लम्हे आज जी रहे हो उसके खुल के एंजॉय करो अच्छे से मजे से, और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और बाकी एंजॉय करना है पूरी तरीके से। तो एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा, ये है कॉलेज की दुनिया यारो संग जीना मरना, दो लेक्चर करके पढ़ाई यारो संग जीना मरना, यही वो दिन है जो याद आएंगे, सोचो तो यारो के बिन कैसे रह पाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने गुजनों का नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। कॉलेज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कॉलेज के आने से पहले एक बदले की भावना रहती थी मेरे अंदर। भास्कर सर एक बार मुझे बताए, बेटा अगर आपको कुछ उल्टा बोलता है, कोई गाली करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको पलट के वही जवाब दोगे। आप अपनी जगह अगर सही हैं तो आप अपना काम करिए, ये नहीं कि आप उसको गाली दीजिए, आप उसको उल्टा बोलिए। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो प्लीज आप उसकी तरह उसको पलट के वार मत करिए, आप सिर्फ अपना काम करते रहिए। और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है कॉलेज से, डीन मैम से, विजू मैम से, बाकी सारे ऑल टीचर्स से, थैंक यू। मेरे सम्मानित गुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे सीखने को मिली और डीन मैम के साथ तो मेरा एक ऐसा टाइम था, मुझे वो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने पहले मुझे बहुत रुलाया, फिर इतना हंसाने की कोशिश की,
मुझे बहुत अच्छा लगा मैम के साथ उस टाइम पे। थैंक यू मैम, सच बता रही हूँ मुझे वो दिन ना कभी नहीं भूल सकती मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी, आपको भी याद है, आपने रुलाया फिर बोला पहले हंसो फिर ही जाओगी यहाँ से वरना नहीं जाओगी। क्लासमेट्स को तो कुछ भी याद नहीं है, वैसे बहुत कुछ याद है देखा जाए तो। और एक हॉस्पिटल टाइम का हमारा सुजाता है, मनोज है, इनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा और इनके साथ भी काफी मेमोरी है हमारी। एंड थैंक यू ऑल जूनियर्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स, लवली जूनियर्स एंड माय क्लासमेट्स। मैं सबसे पहले तो थैंक यू सारे टीचर्स को बोलना चाहूँगी, स्पेशली नीलम मैम और सैमियन सर, क्योंकि इन्हीं दोनों टीचर्स की वजह से मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो दो बन पाए, एक सेक्रेटरी और एक MSN। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और यहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा लगा। वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। एक और शायरी सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। नसाद साहब का शायरी है ये, कि रात हो चांद हो सनासा हो। उर्दू में अगर तकलीफ हो रही होगी तो सनासा का मतलब गांव होता है। रात हो चांद हो सनासा हो, क्यों ना रग रग में एक नसासा हो, कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो, एक तो खौफ भी हो जमाने का और मोहब्बत भी बेतहासा हो। असासा का मतलब होता है एसेट्स, जैसे अगर आप इसको बोलते हैं शिक्षा जो होता है आपका एसेट होता है। एसेट का मतलब जो आपको भविष्य में एक इनकम का सोर्स दे। हम पढ़ाई सभी लोग करते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर जूनियर्स और माय डियर बैचमेट्स, माय नेम इज अमित सैनी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। यहाँ मुझे टीचरों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले माय कोऑर्डिनेटर विकास भास्कर सर, माय डीन मैम, जिनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और मेरे प्यारे बैचमेट्स, थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने क्लास कोऑर्डिनेटर भास्कर सर के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। जैसे देखिए, अगर मैं अपने जूनियर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर भास्कर सर आपको कुछ भी पढ़ाते हैं तो आप एक चीज ये मान के चलिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो भास्कर सर के, अगर पहली बार आप भास्कर सर के केबिन में जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम पूछते हैं तो भास्कर सर के, ये मान लीजिए कि आपको डरना फिक्स है, पहले कन्फर्म इतना आपको डांट देंगे कि आप मतलब ये सोचेंगे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 100% आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगे। ये तो सर की मतलब ये सब सर की ये समझ लीजिए, ये मतलब उनकी क्या हैबिट बोल सकते हैं, मतलब आपको इतना डांट देते हैं कि लगेगा कि अब काम होने वाला नहीं है, लेकिन 100% वो काम होगा। तो ये चीज सर की मैं देखा हूँ। थैंक यू सर।
दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। कुछ कोई बात नहीं, आवाज सुन ले। छोटे बच्चे ना बोले। क्वेश्चन से, इफ यू हैड टू चूज बिटवीन पीस लव एंड हैप्पीनेस, तो हम चूज करेंगे हैप्पीनेस। क्या? क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है, दिल के लिए भी और दिमाग के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू। योर बेस्ट फ्रेंड दैट यू वुड लाइक टू चेंज एंड वन क्वालिटी दैट यू वुड लाइक टू इम्बाइब इन योर सेल्फ। तो पहले तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताता हूँ, राहुल, यहीं पे है, उर्फ देवता, देवता नाम से ये फेमस है, ठीक है। तो एक क्वालिटी जो मैं इसकी लेना चाहूंगा कि जो जिंदा दिली इसके अंदर है, कहीं भी हो बस लड़का हंसा देता है। और जो मेरे अंदर एक चीज है कि मैं लोगों को देख के या कोई भी भीड़ देख के तो मैं थोड़ा डर सा जाता हूँ, ठीक है। तो बस ये चीज इससे मैं लेना चाहता हूँ कि ये बहुत जिंदा दिल है और वो चीज मुझे अंदर अपने अंदर लेनी है इसके। थैंक यू मैम। My question is, what has been the most memorable part of your journey during the college time and why? As मैंने अपना journey explain किया था, उसी वजह से मैं select हुई थी और फिर मुझे वही question पूछा गया है। And I am expressing my journey starting from the first class of Pankaj Singhal sir, as sir हमारे class teacher थे first year के। Sir used to say, बच्चों आप लोग college आ रहे हो, time पे आइए, ethics follow करिए। जो हमारी building का जो pillar था वो सर थे और उन्होंने वो पिलर जो है इतना अच्छे से बिल्डअप किया है कि आज हम कॉलेज, हमारे टीचर भले लेट आए या जो भी एनी रीजन, बट हम टाइम पे पहले पहुंच जाते हैं क्लास में ड्यू टू बिकॉज ऑफ हिम। एंड जर्नी एंड करते विकास सर के साथ, विकास सर से हमने एज हमारा पूरा क्लास आज विकास सर का बहुत बड़ा फैन है, आई डोंट नो व्हाई बट एंटायर क्लास। एंड सर के दो तीन डायलॉग्स हैं जो हमारे क्लास के बच्चों को अगर कोई मीन से उठा के भी अगर बोल दे तो सब बच्चे उठ के हंसेंगे। ऐसा क्या बोलते हैं, नो ऐसी एनर्जेटिक जर्नी हमने यूपी में 2019 से 23 तक शेयर की थी। एंड ऑल द बेस्ट गाइस आप लोगों के लिए भी, देख लेट्स सी जो भी होगा आगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। प्लीज टैग नंबर 1, 47, 49, 35, 58, 15 स्टेज पे आ जाइए। टैग नंबर 2। टैग नंबर 2, 47, 49, 35, 58। यहाँ पे तो होनी चाहिए। यू हैव 40 सेकेंड्स लेफ्ट। थर्टी सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। नाइन, एट, सेवन, फाइव, फोर,
3, 2, 1, stop. Okay, according to our audience, कौन इसका विनर होगा? Okay, we want our judges to evaluate this competition. Tag number two. Okay, thank you, sir. Thank you, sir, for your cooperation. You all three can take your seats. मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे, आवारगी ही रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है, मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। थैंक यू लवी जूनियर्स फॉर दिस पार्टी। एक एक्सपीरियंस है, अगर टाइम हो तो शेयर करना चाहूंगा। ये एक्सपीरियंस मेरा कम्युनिटी ड्यूटी से है। फर्स्ट डे ड्यूटी लगी तो उसके बाद जो है सर पूछते हैं कि अपने अपने फैमिली का बताओ, कोई अगर ऐसा कोई डायग्नोसिस मिला हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको बहुत अर्जेंट केयर की जरूरत हो, तो बड़े एक्साइटेड थे। आए सर के ऑफिस में, बताने लगे सर हमारी फैमिली में ना एक हाइपरटेंशन का मरीज है। सर बोलते हैं कैसे डायग्नोस कर लिया, उसका रिपोर्ट देखा, उसका बीपी लिया, हो सकता है तुम्हारे पहुंचने से उसको हाइपरटेंशन हो गई हो, बेचारा घबरा गया हो, उसका बीपी बढ़ गया हो। तो पता नहीं मुंह से निकल गया कि सर जो है गूगल से और यूट्यूब से देखा है। यार ये अजीब बात मत किया करो, ये मतलब जो है ये तुम्हारे यूट्यूब वाले कह देंगे तुम गोबर खा लोगे क्या। तो सर ने बोला कि देखो बेटा ऐसा नहीं करते, हर चीज के लिए गूगल और यूट्यूब को रिफर नहीं करना है, आपको रिफर अगर करना है तो आपको बुक्स को रिफर करना है जो आपको अच्छी और सटीक नॉलेज देंगी। तो मेरा जूनियर से यही मतलब जो है एक एडवाइस है कि हमेशा सबसे पहले अगर कुछ रिफर करना है तो बुक्स को रिफर करें जो आपको एकदम एक सटीक नॉलेज देंगी जो आपके हमेशा फ्यूचर में काम आएगा। और थैंक्स फॉर द सर जिन्होंने ये मुझे सिखाया। थैंक यू सर। कम्युनिटी ड्यूटी का सीन होगा जो भी होगा यहाँ पे ना। रंजीत तुम्हें जो है घर नंबर जो है जो क्या नाम है 4 मिला है, तो तुमने क्या क्या देखा उसमें बताओ। सर मैं पहले अपने घर पे गया और उसके मसूड़ों से खून आ रहा था सर, उसको पायरिया था। तुमने कैसे डिसाइड कर लिया पारिया है बताओ, कैसे डिसाइड कर लिया? उसे जिंजिवाइटिस भी हो सकता है, है? मैंने होमवर्क कर गए थे, होमवर्क किए थे, तो फिर कैसे डिसाइड कर लिया? सर उसके दांतों से खून आ रहा था तो मैंने सोचा पायरिया ही होगा। दांतों से खून आएगा तो पायरिया हो जाएगा है? हा? मेरा एक एनर्जी लेवल है ठीक है, अभी तुम्हें मारे गिर जाओगे तुम। सर वो बता रहे थे कि मेरा पायरिया का इलाज चल रहा था। तुमने कोई डायग्नोसिस कोई चार्ट देखा उसका, कैसे डायग्नोस कर दिया बस मुंह उठा के? नहीं सर गूगल से सर्च किया था सर। मैंने कितनी बार बोला है कि होमवर्क करके जाया करो ना, मेरा एक एनर्जी लेवल है बताओ। ठीक है सर आगे से बुक देख के जाएंगे सर।
सॉरी सर। सो मुझे ऐसे लगता है कि ड्यूरिंग माय टेन्योर जितना इंटरेक्शंस मेरा इस बैच के साथ में रहा है शायद किसी बैच के साथ नहीं रहा। तो कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं दैट आर रियली अनफॉरगेटेबल एंड डेफिनेटली आई कैन नॉट फॉरगेट। एंड कुछ मतलब बच्चे हैं शरारत की होगी आप लोगों की, आप लोगों ने तो मेरे से आई थिंक बहुत बार डांट भी खाई हुई है। तो इट्स अ मिक्स एक्सपीरियंस, लेकिन जो भी रहा है मे बी एक अभी स्टूडेंट्स ने शेयर किया था कि लाइक जो प्रीवियस बैचेस थे उन लोगों में कुछ जो ड्यूटीज के साथ में जिनको मतलब मेकअप ड्यूटीज करनी पड़ी थी या कोर्स कम्प्लीशन उनका डिले हुआ था उनको जाना पड़ा था, लेकिन मे बी जो भी पनिशमेंट्स दिया दैट आर बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। सो मुझे आज ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी बच्चे हैं आज किसी का भी कोई भी मेकअप ड्यूटी ड्यू नहीं है एंड ऑल हैज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दिस फॉर ड्यूरिंग फोर्थ ईयर और ऑल फोर ईयर्स इन टाइम। सो एक डीन के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए, एक फैकल्टी के लिए इससे प्राउड की बात कुछ नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे टाइम पर जो है उसको कंप्लीट कर लें और अच्छा यहाँ से पास आउट होके फिकल जो हम लोगों को गर्वान्वित महसूस करें। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे पता नहीं कौन कहाँ किस जगह में होगा, जगह में होगा। टीचर्स तो एक पाथ की तरह हैं, यहाँ पर हैं आज भी हैं और शायद कल और दूसरे बैचेस के लिए भी रहेंगे, पर आप जो लोग जाएंगे डेफिनेटली डिफरेंट प्लेसेस में तो आप ही हमारा गौरव हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए गौरव हैं ऐसे ही आप हमारे लिए गौरव हैं। आप हमारी पब्लिसिटी हैं, इस इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी हैं। सो आप खूब पढ़िए और मतलब जितना आकर जो भी चूज करे प्रोफेशन मे बी इन द क्लिनिकल मे बी इन द टीचिंग लाइन या कुछ और, जहां पर भी किसी भी पोस्ट में रहें कहीं पर भी रहें बस जो चीज आपने यहाँ पे सीखी है उस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। बस इसमें आज मैं ज्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहूंगी। आई हैव ए मिक्स्ड फीलिंग कि आप लोग जा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी भी है और डेफिनेटली आप डेफिनेटली अब जब बिछुड़ते हैं तो थोड़ा सा फीलिंग तो होता ही है। ओके सो आई हैव सो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना चाहूंगी कि हॉस्टल में जितने भी डिस्प्यूट्स रहे बाकी चीजें भी रहें या कॉलेज में रहे दोस्तों के साथ में रहे, हो सकता है फ्यूचर में भी आपको रहें, फ्यूचर में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके साथ में आप लोगों की नहीं बनेगी या आपके डिस्प्यूट्स होंगे, लेकिन हमेशा एक चीज रखिए मन में कभी कड़वाहट मत रखिए। जैसे कि इसमें एक सिंपल सा एक दोहा मैं याद आया है तो मैं कहना चाहूंगी, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि जो दुश्मन से दुश्मन भी हो लेकिन आपके मन में कड़वाहट ना हो, क्योंकि अगर आपके मन में कड़वाहट हुई तो आप क्या करेंगे अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे कि मुझे उससे रंजिश है, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे कुछ ऐसा करना है ना। जैसा कि आपके इस बैच में बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए हैं आपस में भी वैसे भी, तो इसीलिए मैंने बोला कि जितना एक्सपीरियंस आपके बैच के साथ है शायद किसी के साथ में नहीं। तो ऐसा मत करिए, कहीं पे भी रहें जूनियर्स हैं वो भी इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए कि आपका लक्ष्य क्या है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। किसको क्या मिलना है, कहां मिलना है, कैसे मिलना है, वी आर नथिंग टू डिसाइड इट, बट वी आर हेयर टू वर्क, वी आर हेयर टू मूव। सो जस्ट मूव इट, आपका गोल क्या है, अपना लक्ष्य क्या है उस पर फोकस करिए और हमेशा ध्यान करिए काम को पेंडिंग मत करिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ में पढ़ ले होएगी बहुरी करे कब। तो जो आपको कल करना है वो आप समझ लिए कि आप ही को आज करना है, इसको खत्म करके ही हम सोके, क्योंकि कल के लिए हो सकता है कि 10 और पेंडिंग वर्क हो। एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते हाँ ओवर बर्डन कि आप कितना भी कर सकते हैं, 9 to 5 नहीं,
जस्ट कितना हमारी कैपेसिटी है, हम वर्क कितना कर सकते हैं, बस उतना करना है। सक्सेस सिर्फ आपकी है, गाइडेंस हम आपको दे चुके हैं, आपको आज एक नया फेदर मिला है कि आपका बीएससी डिग्री कोर्स कंप्लीट हो गया है, मैं आगे बढ़ सकते हैं, वो आपको करना है। बाकी लाइफ ही आपको सिखाएगी कि आपको क्या करना है। सब कुछ टीचर्स गाइडेंस सिर्फ वर्ड्स में नहीं बोल सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस से आती हैं, और ये आपकी न्यू जर्नी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बेटर फ्यूचर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Just looking up a senior. Good evening, myself Aradhana. I am a student of the BS Nursing third year. It is very good opportunity to me to speaking something on this grateful occasion on the behalf of my sorrow day for us is that they are the going and separately for us. They also great thank to our teacher for giving a precious time on this occasion, and also a grateful thanks for our seniors for guiding, teaching, behaving, and also like a parents. So grateful thanks and also a lot of the wishes for your future, and also a great thank for our class coordinator Mr. Samuel sir, and also class coordinator BSc Nursing fourth year Dr. Vikas Vaskar sir. Thank you so much. Thank you.